मैं अंकित त्यागी अधिवक्ता, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट गाजीबाद जी। और मैं लगभग पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और गाजीबाद में मैं समाज के लिए भी और साथ में अधिवक्ताओं के भी लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। आप सह सचिव के लिए उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं अपनी जी, तो क्या मन में आया था कि देखिए अभी बार एसोसिएशन गाजियाबाद चुनाव 2021-22 में मैं सह सचिव प्रशासन पद पर प्रत्याशी हूँ। प्रशासन पद में आना एक मेरी एक लड़ाई की शुरुआत है और ये लड़ाई मेरी जब मैं पद पे नहीं हूँ मैं जब भी लड़ रहा हूँ और पद पे आने से ये लड़ाई को मेरी मजबूती मिलेगी। तो ये आपकी लड़ाई है, आपके लोग जो साथी लोग हैं अधिवक्ता उनकी लड़ाई है। देखिए एक अधिवक्ता की लड़ाई, एक अधिवक्ता समाज की लड़ाई है, ये सभी अधिवक्ताओं की लड़ाई है। लेकिन क्या होता है कि सबको मिलकर लड़ना होता है, कोई तो शुरुआत करेगा और लड़ाई ऐसे नहीं कि हमें कोई गुटबाजी करनी किसी के साथ, ये कलम की लड़ाई है, एक अधिवक्ता की ताकत उसकी कलम है, ये कलम से लड़ाई लड़ी जानी है। जैसे हमारे आज तक हम कोरोना में हमने देखा कोई अधिवक्ताओं के लिए बैठ के सुविधा नहीं कही, वो सुविधा होनी चाहिए थी। आज तक कोई पैनल नहीं है अधिवक्ताओं के लिए, वो पैनल की सुविधा करानी है। आज तक बाहर में अगर आप देखेंगे चारों तरफ जो जाम की जो है बाइक की लाइन लगी हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लगातार अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये तो प्रशासन को देखना है ना। मुद्दों की बात कर ली जाए तो क्या मुद्दे हैं जो प्राथमिकता में आ रहे हैं? देखिए सबसे पहले प्राथमिकता जो मेरी अधिवक्ता समाज हित सबसे बड़ी प्राथमिकता, और इसी प्राथमिकता के अंदर जैसे जाम की समस्या खत्म करना, अधिवक्ताओं के लिए पैनल की सुविधा कराना, कहीं हम SSP ऑफिस या कहीं DM ऑफिस ADM ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें लाइन में लगना पड़ता है, तो एक हमारे लिए एक अलग से लाइन की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो जी। है ना, एक अधिवक्ता कोर्ट ऑफिसर होता है तो उसके लिए वो इज्जत देना जो है वो बहुत जरूरी है ना, तो ये इज्जत बनाई जाए। अच्छा सर, बेंच की भी बात करी जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर मैं जानना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कितनी लड़ाई लड़ पा रहे हैं पश्चिम के? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जो बेंच की सुविधा उसके लिए अच्छी लड़ाई चल रही है ना, हड़ताल पर भी हैं अभी, दूसरे बुधवार और सेकंड जो है शनिवार जो है लगातार लड़ाई चल रही है, जब हम हड़ताल पर रहेंगे। और ये सुविधा ये केवल अधिवक्ताओं के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है, ये आम पब्लिक के लिए। देखिए ना, आप एक केस हो जाता है, एक केस के लिए आम आदमी को मेरठ से गाजियाबाद से अलाहाबाद भागना पड़ता है, जब एक सुविधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, मेरठ हो आगरा हो, ये मायने नहीं करता, लेकिन मायने ये करता है कि आम पब्लिक को सुविधा कैसे हो, उसे 2000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर ना भागना पड़े, है ना, तो ये सुविधा होनी जरूरी है और ये सुविधा जरूर होकर रहेगी। भैया हर बार चुनाव में मुद्दा बनता है सर, ये तो अब की बार भी मुद्दा बनेगा, तो क्या लग रहा है मतलब? बिल्कुल ये चुनाव का मुद्दा है और होता रहेगा, और जब तक ये मुद्दा नहीं होगा हमारे पदाधिकारी जो हैं, हमारे सीनियर, वो इसके लिए लड़ते रहेंगे, हम भी उस लड़ाई में सबके साथ हैं और समर्थन में हैं। और क्या ना, ये सुविधा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश बेंच गाजियाबाद हो या मेरठ हो आगरा हो, ये आएगी और जरूर आएगी। क्या अपील करना चाहेंगे अपने साथी अधिवक्ताओं से? देखिए मेरे तो सभी अधिवक्ता, मैं किसी धर्म जाति में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ अधिवक्ता हित में, और सभी अधिवक्ताओं का जो मुझे प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, तो ये मेरे लिए बहुत मायने करता है। हर बार जो ये शुभकामनाएं मिलती हैं, सपोर्ट मिलता है, प्यार मिल रहा है, अभी भी मैं जैसे वोट के अपील के लिए जा रहा हूँ तो सबसे इतना अच्छा प्यार और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो प्रत्याशी हैं, सभी पोस्ट जो प्रत्याशी हैं या मेरी पोस्ट जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी, उनको भी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ कि अपनी मेहनत करें। और जो भी अधिवक्ता होगा, देखिए जो सभी अधिवक्ता को जो विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है, और विद्वान अधिवक्ता जिसको चाहेंगे, जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। और मुझे पता, मुझे ये विश्वास है, जैसा कि अभी मैं वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ, अपील में जा रहा हूँ, सभी का प्यार मिल रहा है और सभी एकजुट होकर एक आवाज़ में जो है मुझे समर्थन के लिए तैयार है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।